हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रुके अंसारी। आज मेरी यूट्यूब पर सेकंड क्लास है जिसमें मैं आपको QBS पैडागॉजी स्पेशल बेस्ड रिलेटेड कोई क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म जो हमारे KBS, PRT, TGT एंड PGT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलिए इन्हें कम्प्लीट करते हैं और सीखते हैं। जो हमारा पहला जो फुल फॉर्म है जिसमें हमने देखा है AFHS, एडल्ट्स एंड फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज, किशोरों के लिए अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं जो उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें किशोरों को किस तरह हमने एज आ उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो कुछ स्कीम्स बनाई गई हैं उनके बारे में हम जानेंगे। उसी का फुल फॉर्म रखा गया है AFHS, एडल्ट्स एंड फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज। दूसरा देखते हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK, इसकी शुरुआत जो है वो भारत में 2014 में की गई। तीसरा है हमारा एडॉल साइंस एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब किशोरों की शिक्षा के लिए कुछ शिक्षा योजना बनाई गई है कि किस तरह एक किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं तनाव और संघर्ष से गुजरते हैं, तो उसको कम करने के लिए बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट जो है वो लागू कर रही है। इसीलिए उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ 6 सिद्धांत भी दिए गए हैं जिनको हम अभी आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ फुल फॉर्म कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ये हमारा जो MKO है ना, लैब बायगोडिस्की के सिद्धांत में दिया गया है, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। मतलब MKO का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हमसे ज़्यादा जानकारी रखता हो, तो इसको भी हम टॉपिक में कंप्लीट करेंगे आगे। नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बच्चा जो भी कुछ सीखना चाहता है और सीखने की जो क्षमता रखता है उसके बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं ZPD। इसको भी लैब बायोलॉजी के टॉपिक में दिया गया है तो हम उसमें इसको कंप्लीट करेंगे। अभी सिर्फ इसका जो फुल फॉर्म है वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो मैंने इसको यहाँ कम्प्लीट किया है। नेक्स्ट है हमारा फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको भी अगर फाउंडेशन FLN के बारे में कुछ एजुकेशन लेनी है तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं और चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या है? मूलभूत संख्यात्मकता एंड साक्षरता, जिसमें किस तरह हमें बच्चों के बेसिक स्किल्स को कम्प्लीट कराना है, किस तरह उनको साक्षर बनाना है, किस तरह उनकी गणनाओं की समझ उनमें विकसित करनी है। फाउंडेशन लिटरेसी में जैसे कि बच्चे को किस तरह ध्वनियों की जानकारी हो, अक्षर पहचान सके बच्चा, किस तरह वो शब्दों को जोड़ जोड़ कर जो अक्षर हैं उन्हें जोड़ जोड़ कर शब्द बना सके, तो इस तरह उसको हमें मूलभूत साक्षरता विकसित करनी है। न्यूमरेसी में क्या है? बच्चे को जो फाउंडेशन न्यूमरेसी है मूलभूत संख्यात्मकता, जिसमें हमने बच्चों को जो संख्या ज्ञान है, बच्चे को माप, स्थानिक समझ और डाटा हैंडलिंग के बारे में हमें जानकारी देनी है। किस तरह बच्चे जो हैं जैसे कि छोटी छोटी वस्तुओं को छोटी बड़ी इस तरह से वस्तुएं दी बच्चों को तो उन्हें किस तरह व्यवस्थित करना है इनको, या बड़े से छोटे आकार में या छोटे से बड़े आकार में, तो उसको हम कहते हैं फाउंडेशन न्यूमरेसी, मतलब बच्चे के अंदर कुछ आंकिक गणना या संख्यात्मक गणना विकसित करना। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग मतलब योग्यता आधारित शिक्षा। ये जो योग्यता आधारित जो शिक्षा है इसकी शुरुआत 2021 में CBSE बोर्ड के विद्यालयों में की गई है। इसका मीन्स होता है कि एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को सिखाना, लर्निंग बाई डूइंग मतलब करके सीखना, बच्चे को क्रिएटिव बनाना, ये सारी एजुकेशन जो है इसके माध्यम से हमें शिक्षा देनी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, योग्यता आधारित शिक्षा, बच्चे को किस तरह शिक्षा के योग बनाना है। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो हम आप मुझे कमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हैं, फादर ऑफ एडोलसेंस किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है जो आप कमेंट में हमें इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 8 क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसकी शुरुआत जो है भारत सरकार द्वारा 2012 में की गई। ICT में क्या बताया गया है कि किस तरह डिजिटल संसाधनों का विकास करना है, इनका उपयोग कैसे करना है, उनके बारे में जानकारी बच्चे को किस तरह विकसित करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, जिसमें बताया गया है द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर,
एक 16 दिसंबर 2021 को कह सकते हो प्राथमिक विद्यालयों बेसिक स्किल्स को कंप्लीट करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई 16 दिसंबर 2021 को। इस रिपोर्ट को सौंपा गया आर्थिक सलाहकार परिषद, ठीक है, द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। ये एग्ज़ाम की पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 10। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने गए से निपुण। निपुण भारत का जो लक्ष्य है इसे हमें 2026 और 27 में कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। निपुण जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। अच्छा, ये जो निपुण है, निपुण भारत के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इसके बारे में हम आपको वीडियोस में क्लासेस में आगे इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। निपुण भारत के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इसमें बाल बाटिका क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड एंड क्लास थर्ड को समाहित किया गया है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड, जिसमें बच्चों को मूलभूत संख्यात्मकता और मूलभूत साक्षरता का ज्ञान हमें उन्हें देना है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट है मेरा 11th क्वेश्चन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE। ये जो है ECCE कार्यक्रम है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं बाल देखरेख, ये जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को हम कह सकते हैं उनके पोषण का सुधार करने के लिए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए उन्हें किस तरह से शिक्षा देनी है, उनका जो प्रारंभिक ज्ञान है किस तरह करना है, ये सारी चीज़ों के विकास के लिए आपका एक कार्यक्रम आया जिसको हम जानते हैं ECCE, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ है आपको NCPFECCE। आप लोगों के लिए ये भी एक क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आगे मैं इसका आंसर्स आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, NCPFECCE, ठीक है। और ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया प्रोग्राम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ये क्या है कि बच्चे जो हैं कंप्यूटर की सहायता से किस तरह सीखते हैं, उस पर आधारित एक योजना है जिसको हम जानते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। किस तरह हमें बच्चे का रेगुलरिटी से और व्यापक उसके हर एक पक्षों का मूल्यांकन करना है, उसके संज्ञानात्मक, उसके भावात्मक और उसके मनोगत्यात्मक जो पक्ष हैं या कौशल है उनको किस तरह हमें विकसित करना है, ठीक है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको एक टॉपिक के रूप में हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये जो है हम कह सकते हैं अति क्रियाशीलता विकार, जिसमें व्यक्ति जो है उसका दिमागी संतुलन जो होता है वो ठीक ढंग से नहीं होता है, मतलब ठीक ढंग से व्यवस्थित नहीं होता है। बच्चा किसी काम को करने के लिए बहुत अधिक क्रियाशील रहता है, तो वो कहलाता है हमारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या है, व्यक्ति जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है वो ठीक ढंग से एज अ कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। जैसे कि बच्चा एकांत में रहना पसंद करता है, ठीक ढंग से लोगों से बातचीत नहीं करता है, तो वो कहलाता है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम जानते हैं कि किस तरह बच्चा जो है उसकी क्षमताओं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे के हम कह सकते हैं जो व्यवहार है उसका, हमें उसका व्यवहार जो है वो ठीक ढंग से व्यवस्थित नहीं होता है, वो उसका जो व्यवहार होता है वो आक्रामक व्यवहार होता है, तो उसको हम जानते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। नेक्स्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये जो आया हुआ है ये 1995 में आया हुआ था दिव्यांग बालकों के लिए, जो दिव्यांग बालकों की जो अयोग्यताएँ रखी गई थी, अक्षमता रखी गई थी, वो 7 प्रकार की रखी गई थी। नेक्स्ट है हमारा राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको हम जानते हैं RPWD के नाम से। ये आया हुआ आपका 2016 में, जिसमें 7 योग्यताएं जो हैं वो आपकी 21 कर दी गई, 7 से बढ़कर कितनी हो गई, 21 हो गई। 19 है मेरा, 19 क्वेश्चन है स्कूल डेवलपमेंट प्लान, जिसमें हम कह सकते हैं कि विद्यालय विकास से जो योजनाएं हैं
वो हमें किस तरह अपने, ऐसा कह सकते हो, एक निर्धारित समय पर जो योजनाएं चलती हैं उनको एक निश्चित समय पर किस तरह हमें लागू करके एक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, उसके लिए योजना बनाई गई है जिसको हम जानते हैं SDP के नाम से।